तो कल का नाइट स्टे यहाँ पर था। ये राम मंदिर है, राम मंदिर का गैलरी है और यहीं पर मैं अपना टेंट लगा लिया था। तो सभी को जय श्री राम। थैंक यू राम जी और थैंक यू उन लोगों को जिनके वजह से मैं यहाँ तक पहुँच सका और यहाँ पर मुझे नाइट स्टे मिला। तो चलने का टाइम वक्त आ गया, बाय बाय। ठीक है भैया, तो कल का नाइट स्टे इनके वजह से हुआ था, ये मुझे पीछे मिले थे, आपने शायद देखा होगा, और आज मैं जा रहा हूँ। थैंक यू भैया, शुक्रिया भैया, धन्यवाद। क्या नाम है जम गहना, इस जगह का नाम है? शंकर जायसवाल। अच्छा अच्छा, आपका नाम प्रेम शंकर, ओके। और जगह का नाम है जम गहना। ठीक है भैया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। अच्छा लगा। ओहो, काफी ज्यादा घटिया लग रहा हूँ यार। सबसे पहले मुझे नहाने की व्यवस्था देखनी पड़ेगी क्योंकि आज दूसरा दो दिन हो गया, तीसरा दिन है, दो दिन से मैं नहाया नहीं क्योंकि जगह ही नहीं मिला मुझे नहाने के लिए। एक होटल वाले भैया थे कल जहाँ मैं खाना खा रहा था, उनसे मैंने पूछा था भैया नहा सकता हूँ कि नहीं, आज नहा सकता हूँ, तो बोले थे आ जाना कल सुबह। मैं जाता हूँ, पहले बात करता हूँ, देखता हूँ क्या कहते हैं। ये रहा वेलकम ढाबा, इसी ढाबे में पूछता हूँ जाके यार, ये तो बंद लग रहा है, कोई है नहीं क्या यार? चलो भैया बुला रहे, देखते हैं क्या कहते हैं ये। नमकीन दिया मुझे खाने के लिए। क्या क्या निकला भैया? ये बुलाते हैं और मेरा नाम, एड्रेस, मेरे पापा का नाम पूछते हैं ताकि छत्तीसगढ़ के लोकल न्यूज़पेपर में मेरे बारे में वो प्रिंट करवा सके। तो दैनिक जागरण का वो हेडक्वार्टर है क्या? दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, सही है। वैसे भी दैनिक भास्कर ज़्यादा ही पढ़ते हैं दैनिक जागरण से। दैनिक भास्कर कार्यालय अटोक अशोक वाटिका, अशोक वाटिका तक जाएंगे। तो न्यूज़ वालों ने मेरा खबर कल लगकर कल प्रिंट हो जाएगा और डायरी मिल दिया मुझे खाने के लिए। क्या तुम्हारी यात्रा मंगल में हो? चलो भैया जी, खाना मेरे लिए बनवाए हैं यहाँ पर ढाबे पे। तो अभी ये लोग मटर लेके आए हैं मेरे लिए और मटर छील रहे हैं। और फिर आलू सब्जी वजू बनेगा है ना भैया? ये सब्जी मेरे लिए, सब्जी चावल। उसने कहा आलू मटर और टमाटर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया खाने के लिए, दोस्त खाना खिलाने के शुक्रिया, फिर मिलते। बहुत भरपेट खाना खा लिया उन्होंने, जबरदस्ती मुझे खिला दिया खाना, लेकिन सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी था यार। छत्तीसगढ़ी भाई लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं यहाँ के लोग। अब तो चला नहीं जा रहा, आपको लग रहा है कि कुछ जगह मैं देखूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँ और थोड़ा देर एक घंटे सो, क्योंकि ज़्यादा नहीं, बस 12-15 किलोमीटर दूर है, सूरजपुर पहुँच जाऊँगा आराम से 6 बजे तक, और वहाँ पर शायद मुझे रुकने की इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलो यार मंदिर दिखा, मंदिर में थोड़ा कुछ देर बैठता हूँ क्योंकि ज़्यादा वजन के साथ और इतना ज़्यादा पेट भर गया, इसके साथ मैं ज़्यादा चल नहीं पाऊँगा। थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, थोड़ा सोऊँगा, तब चलूँगा यार। टेकिंग रेस्ट, बहुत आराम मिल रहा है लेट के, सोच रहा एक नींद ले लूं। काफी देर रेस्ट कर लिया मंदिर में, पेड़ों की छांव जो होती है ना, और खासकर जब मिट्टी पर गोबर का लेपन होता है ना, वो कुछ ज्यादा ही ठंडक महसूस करवाता है यार, ठंडक महसूस होता है उससे बहुत ज्यादा, जब गोबर का लेपन लग जाता है मिट्टी पे। तो यार छत्तीसगढ़ का जो प्योर लैंग्वेज है ना, वो थोड़ा आपको कहो बहुत कम समझ में आएगा, मतलब कि जितने भी जगह जा, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, जो प्योर लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और पता नहीं वो क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आएगा। अभी कुछ लोग मुझे मिले थे जो बिल्कुल प्योर छत्तीसगढ़ी बोल रहे थे, वो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, तो बाद में उन्होंने थोड़ा थोड़ा हिंदी बोला कि ये वो, तब जाके मैं समझा अच्छा अच्छा आप ये बोल रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं सूरजपुर में, मतलब सूरजपुर का ये आउट एरिया भी 2 किलोमीटर दूर आगे पड़ेगा सूरजपुर का मेन सिटी,
मेन जगह जहाँ पर पता करना पड़ेगा कि नाइट स्टे है कि नहीं। वैसे मुझे किसी लोगों से मुझे पता चला है कि यहाँ पर एक धर्मशाला है जो जितने भी लोग बाहर से आते हैं उनके लिए फ्री में नाइट स्टे है, और जो लोकल लोग हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं, पैसे पे करने पड़ते हैं नाइट स्टे के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे। इस एरिया में आने के बाद आप समझ सकते हैं कि मैं एक बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र से उठकर शहर के क्षेत्र में आया हूँ। तो ऐसा लगता है कि वो ज़माना जो था, मतलब जो जगह था पीछे, वो काफ़ी साल पुराना ज़माना है और अभी मैं बिल्कुल मॉडर्न ज़माने में एंटर किया हूँ, ऐसा बिल्कुल मुझे महसूस हो रहा है। और काश जब बिलासपुर पहुँचूंगा, रायपुर पहुँचूंगा, तब मुझे कैसा महसूस होगा मुझे भी नहीं पता भाई। तो देखते रहिए वीडियो को पूरा। तो ये आ गए हम मेन शहर में जिसका नाम है सूरजपुर। वैसे ये सुरगुजा पहले था लेकिन सुरगुजा से बाद में अलग हो गया है और नाम हो गया इसका सूरजपुर। तो ये है मंदिर और ये है धर्मशाला। आज पता है इनके मालिक से मुझे स्पेशली कॉल करके पूछना पड़ा कि क्या मैं रुक सकता हूँ कि नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर जो रहते हैं ना वो मुझसे चार्ज ले रहे थे 500 रुपीस। तो मैंने कहा कि भैया आप अपने मालिक से एक बार बात कर लीजिए तो शायद कुछ मेरा कम हो पाए। जब इनके मालिक से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि आप नाइट स्टे फ्री में कर सकते हैं क्योंकि आप राम वन गमन मार्ग कर रहे हैं, इस वजह से मैं आपको फ्री में नाइट स्टे यहाँ पर दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे नाइट स्टे मिला, एक कमरा मिला सोने के लिए एक दिन के लिए। थैंक गॉड, राम जी की कृपा बनी रहे। तो ये रहा मेरा आज का कमरा, पर गांव में जो कमरा था, मतलब कमरा नहीं था लेकिन गांव में जो बिस्तर था ना भाई, उसका मजा ही कुछ अलग होता है, जमीन पर बिस्तर पे सोना। पर चलो कुछ भी बात नहीं, सब सही है मेरे लिए। तो अगर मेरे पैदल आते हो सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है मेरे। चलते हैं फिर, गुड नाइट, जय श्री राम।